दांतों के इलाज के लिए अब शहर के बाहर क्यों जाना, सीधे डेंटल केयर वर्ल्ड पर चले आना, क्योंकि यहाँ होता है दांतों की सभी समस्याओं का इलाज। डेंटल केयर वर्ल्ड, रिलायंस फ्रेश के सामने, चंद्रनगर, ब्यावर रोड, चुंगी चौकी, अजमेर। आज ही फोन पर अपॉइंटमेंट बुक करें 8005820862। आज पंचायती राज चुनाव का अंतिम चरण है और अंतिम चरण के अंदर सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान कर रहे हैं और राजस्थान की जनता कांग्रेस के कुशासन से, बढ़ती बिजली की दरों से और कोरोना के प्रबंधन से बहुत दुखी है, हताश है। युवाओं के रोजगार छिन गए, उद्योग धंधे चौपट हो गए, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए, की भलाई के लिए कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। जनता में भारी आक्रोश है और निश्चित रूप से 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो राजस्थान के इतिहास के अंदर चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। सभी जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, सभी प्रधान भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से बनेंगे। जा रहे पंचायती राज चुनाव में किशनगढ़ विधानसभा के अराई पंचायत समिति और किशनगढ़ पंचायत समिति में जबरदस्त मतदान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्साह के साथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस के 2 वर्ष के काल में चाहे बिजली के बिल हो, चाहे किसानों के ऋण माफी का मामला हो, चाहे नौजवानों के रोजगार भत्ते का मामला हो, राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल फेलियर साबित हुई है। इस कारण से पंचायती राज की जो कड़ी है उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम मतदाता जागरूकता के साथ वोट दे रहे हैं। वोट प्रतिशत बहुत अच्छा जा रहा है और भाजपा के जो विकास कार्य हुए थे 2013 से 18 में, उन विकास कार्यों पे जनता ने आज मोहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण किसानगढ़ विधानसभा के जिला सदस्य और पंचायत समिति सदस्य बहुत अंतर से जीतने जा रहे हैं। अंतिम चरण का मतदान आज अजमेर जिले के अंदर किशनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र और राई पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ही बूथ स्तर पर मेहनत करी। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर जिला लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एकजुट एक मुस्तक के साथ में चुनाव मैदान के अंदर हमने पूरी ताकत झोंक रखी और हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर प्रदेश की अराजकता सरकार के राज के अंदर बेटियों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, राजस्थान अन्याय की और अपराध की कैपिटल बन चुका है, पूरे देश के अंदर शमशार करने वाली घटनाएं राजस्थान के अंदर पिछले कुछ दिनों से हुई, इन मुद्दों के साथ में हम जनता के बीच में गए। बिजली विभाग ने जो घोटाले किए हैं, जो जनता को लूटने का काम किया, इसके विरोध के अंदर हम जनता के अंदर वोट मांगने गए। कांग्रेस के पास एक भी मुद्दा इस पूरे चुनाव के अंदर एक भी मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि पिछले 2 सालों से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में एक रुपये का काम, विकास का काम किसी भी गाँव के अंदर नहीं हुआ। इन सभी मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में गए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था जिसके चलते वो हताशा के अंदर डूबी हुई है और हमें पूरा विश्वास 8 तारीख को जब मतदान आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड सभी पंचायत समितियों में और जिला परिषद के अंदर बनेगा।